अगर आप भी कोई आना चाहते हो ब्लॉग में तो <laughs> प्लीज डीएम पिंकी अच्छा डू लाइक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब तेरा तो हम इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश कर यूके यूके या यूएस में आप लोगों के लिए है इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात कर रहे हैं और हम कंपेयर कर रहे हैं यूके वर्सेस यूएस से कोई आता होगा इंडिया हम हम बोलते थे अरे भाई खाली हाथ आ रहे तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ले आओ यूएस में बहुत आ, अच्छे रेट में मिलते इवन आईफोन नहीं हर इंडियन जो घर जाता होगा तो खाली हाथ तो नहीं एक एक आईफोन तो तुम ले ही जाते होंगे के लिए प्लीज को एक कुछ तो छोटा अमाउंट दे देना है बख्शीश के लिए बेटर आगे बढ़ते हैं टर्म्स ठीक है आई एम गोइंग टू प्ले अ क्विक गेम गाइस ओके फ्राइज तो हम इंडिया से हैं हम बोल रहे फ्राइज फ्रेंच फ्राइज यूके में फ्राइज को क्या बोलते हैं आप क्विक चिप्स तो यूएस में क्या बोलते हैं उसको चिप्स मतलब क्या यूएस तो, तो हमारा वेफर्स हो गया वो सब और आप वेफर्स को क्या बोलते हो यूके में क्रिस्प्स क्या <laughs> हो रहा है भाई फिश एंड चिप्स नहीं सुने हो क्या खाया भी था पर ऐसे ज्ञान में नहीं गया पर ठीक है दिखता कुछ और है होता कुछ और है <laughs> मैं एक वर्ड लिख के देती हूँ आपको आपको बताना है कि यूके में उसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं ठीक है अरे UK. तो आप तो यूएस के हो ना <laughs> हमको तो पता है क्या है <laughs> okay. है ना ऑल राइट गाइस ऑल राइट ये है आपके वर्ड्स साउथ वॉक एंड वाइटमिन विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन की ऐसा क्यों है वर्ड है वो, वो विटामिन है और सदक बोलते हैं एक मिनट वापस बोल हम उसको सदक बोलते हैं सदक सदक आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अबे द का है अबे टी एच इज वर्क कहां गया क्या व द सदक व कहां गया It's silent, yeah. आ, वो इट्स साइलेंट यार एक्चुअली व कहां गया अबे सदक अगर जो बोलना चाहते हो और लिखना चाहते हो तो अलग चीज है तो सी S a, B, a, K, na. सड़क। so, थोड़ा सा you know, अगर नॉर्मल कोई इंसान बोल रहा है तो वो बाईसे होगा या बिसेस्टर होगा और ये सारी गलती हमने की है बट यहाँ या, या पे थोड़ा सा चेंज है आप उसको बिस्टर, बिस्टर।, बिस्टर। <laughs> 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 हमारे पास तो एक ही टाइम जोन है भैया हम जीएम बोलते हैं आप बताइए क्योंकि आपका कंट्री इतना बड़ा है इतने सारे स्टेट्स है तो आप बताइए आपके यहाँ पे कोई टाइम जोन से एक नहीं अनेक है थ्री टू बी प्रसाइज तीन है uh, एक है ईस्टर्न uh, टाइम EST देन यू हैव सेंट्रल टाइम CST पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम PST एसी क्या आपके यहां एसी फैंस है यूके में क्या जरूरत uh, है सर्वत अब है बट पहले नहीं होती थी तो या व्हिच इज व्हाई हमारे यहाँ पे सीलिंग फैन नहीं दिखेंगे ना ही एयर कंडीशन जो स्प्लिट एसी होते हैं hmm. यहाँ पे कूलरस अभी मिलने शुरू हुए और

और right, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके घरों में आपके घरों के बिल्स में जब आप रेंट पे घर लेते हो यूके में तो आ, आप कौन से कौन से बिल्स भरते हो अपार्ट फ्रॉम द रेंट हम पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं वाटर चार्जेस होते हैं उसके अलावा वाईफाई जो बेसिकली भी सब लोग चार्जेस भरते हैं काउंसिल टैक्स अलग से जहाँ पे जैसे कि हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हो तो हर एक यहाँ पे काउंसिल के वाइज आपकी एरिया होती है, है? तो, महीने का बहुत ज़्यादा पैसा जाता है जैसे है। कितना डेढ़ सौ पाउंड जो हम भरते हैं बट डिपेंडिंग अगर आप थोड़ी आपकी काउंसिल और है तो आपको थोड़ा ज़्यादा हो सकता है एक्चुअली यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी यू नो अच्छी हो जाती है क्योंकि आपको क्लीन रोड्स मिल जाते हैं सफाई होती है रास्ते धुल जाते हैं तो बेसिकली ये अच्छे से होता है पार्कस एंड प्ले ग्राउंड है उसकी फ्री एक्सेस हो जाती है तो नॉट जस्ट घूमने के लिए या ग्रीन पार्कस है आपके लिए वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए यू you नो know, बास्केटबॉल कोर्ट लॉन टेनिस कोर्ट कुछ कुछ कोई तो क्रिकेट पिचेस है फुटबॉल पिचेस वो सब सारी फ्री में एक्सेसिबल कर आप एक्सेस कर पाते हो जो कि काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड की होती है तो ये सब चीज़ें आपको मिलती है जिसके लिए आप ये पैसे भरते हो एवरीबडी एनी हाउस रिगार्डलेस आप पैसा कमा रहे हो या नहीं तो रेंट मे डिफर

I have got my OTT subscriptions on my smart TV. Uh, दिक्कत है हमारी तरफ ज्यादा है अब आप तब एक्सप्लेन करेंगे टीवी लाइसेंस होता क्या है या मैं okay. टीवी लाइसेंस भरता हूँ यहाँ पे आपको ईयरली एक अमाउंट पे करना होता है अराउंड 150 टू 155 पाउंड्स होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपने ओ टी तो ले लेते हो आपके स्मार्ट टी पे आप देख लेते हो यहाँ

हमको नोटिस uh, आते थे काउंसिल से कि you know, इस एड्रेस पे हमने टीवी लाइसेंसिंग नहीं सब्सक्राइब uh, नहीं की हुई है ली नहीं हुई है तो अगर आप थोड़े रिमाइंडर्स इग्नोर करो तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ऑफिशियल्स आए और आपके घर पे चेक करें अगर उनको कुछ भी ऐसा लगे कि आप इसके थ्रू लाइव टीवी देख सकते हो एंड आप फॉल्टी पाए जाओ जबकि आपको पता भी ना हो कि भाई ऐसा आपने भी कुछ कभी, होता कभी रिमोट से कुछ देख के गलती से आप फ्लिप आउट भी कर चुके हो तो वैसा तो हाँ होता है बट आपको शायद इसका आइडिया भी नहीं हो कि ऐसा कुछ लाइव चीज के लिए होता है यहाँ पे बट दे विल नॉट हियर सेकेंड के भाई ये इनको नहीं पता है बट इफ यू प्रॉब्लम होगा पाए गए कि आपने ब्रीच किया है तो आपको वन थाउजेंड पाउंड तक की पेनल्टी लगती है उसके which is approximately इंडियन रुपीज में कितना एक एक लाख रुपया Ouch! अब आपको समझ आया टीवी लाइसेंस क्या है, है। अच्छा एंड ऑल दिस इज अपार्ट फ्रॉम आवर सब्सक्रिप्शन मुझे लाइसेंस की जरूरत नहीं है मैं चूज कर सकता हूं मुझे लाइसेंस नहीं चाहिए बट एक फॉर अ सेफर साइड हम पता है हम स्पोर्ट्स ज्यादा देखते हैं आप और मैं खुद तो <laughs> हमको पता है कि हमको जरूरत लगेगी तो फॉर अ सेफर साइड बेटर बी सेफ देन सॉरी तो ले लो ओके okay. ये अपनी रणनीति ठीक है तो यूएस में है ही नहीं बात ही खत्म हो गई चलिए फाइनली हाउसेस एंड व्हाट ऑल द हाउसेस इंक्लूड इन योर रिस्पेक्टिव कंट्रीज right. तो जैसे शुरू करेंगे आपके हाउस आपका एवरेज हाउस स्क्वायर फीट जो है एरिया है वो कितना होता है वन बी एच के एंड टू बी एच के का एंड आप वाइस वैसा वही चीज बताएंगे mm -hmm. और फाइनली आप बताएंगे आपके घर के साथ अगर अनफर्निश्ड आपने घर लिया तो डिफॉल्ट कौन सी चीजें है जो आपके घर के साथ आती ही है जैसे इंडिया में आ, गैस फ्रिज ये सब नहीं आता यूके तो में एवरेज वन बी एच के का कितना होता है मिनिमम से मैक्सिमम का

आठ सौ से हजार के बीच में बारह सौ सौ तक तो होना तो चाहिए यस बारह सौ स्क्वायर फीट का आप बोल रहे हो आपको टू बी के तो मिल ही जाएगा मिल ही जाएगा यस एंड इट वुड गो अप एंड डाउन व्हाटएवर हाँ हाँ डेफिनेटली लाइक ऑब्वियसली एरिया वाइज सब अलग अलग हो जाता है तो हुँ. पैसा है तो आपको सब मिलेगा ऐसे फुल्ली फंक्शनल किचन रहता है चूल्हा बोल सकते हैं यहाँ पे हॉफ फ्रिज मिल जाता है ठीक है अगर आप बहुत ज्यादा लकी हो तो आपको माइक्रोवेव भी मिल जाता है बट आपको अवन तो किचन के साथ मिल ही जाता है उसके अलावा आपको डिश वॉशर भी मिलता है साथ में हुँ. तो किचन मतलब आप जब मूव करो तो आपको किचन की तकलीफ ना हो और कभी कभी तो बर्तन भी मिल जाते हैं ना कहीं कहीं बहुत रेयर ओकेजन में बट हाँ लेकिन इसके या वॉशिंग मशीन भी मिल जाता है

ठीक है एक माइक्रोवेव ओवन भी मिल जाता है लकी इनफ एंड फ्रिज तो डेफिनेटली मिलेगा ठीक mm -hmm. है सो दैट इज कवर्ड इन योर एक अपार्टमेंट में वेरी लकी अपार्टमेंट्स में आपको डिश वॉशर मिलेंगे uh, हमें मिलेगा हीट इंक्लूडेड अपार्टमेंट दैट इज ऑल्सो इफ एंड बट अगर कोई कोई अपार्टमेंट में मिल गया तो हीट एंड वॉटर सॉरी माइनज सेंट्रेंट्री ही वॉल हीटेड तो आपके तो विंडोज पे

या फिर वहां पे बहुत गली नुक्कड़ में हर जगह लॉन्ड्री वाली दुकानें होती है राइट 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 यू यू सो फॉर लॉन्ड्री पे तो अगर कोई मिडिल क्लास बंदा है uh -huh. हो सकता है उनमें से फिफ्टी परसेंट लोग बाहर पैसे देकर कपड़े धो रहे Uh, मैं भी मिडिल क्लास वाला ही हूँ मैं भी <laughs> <laughs> पैसे देके ही कपड़े धोता हूँ भले वो मेरे बिल्डिंग में इट्स नॉट फ्री बार करता है कभी मन करता है ऐसा किधर नदी समुद्र किनारे जाके <laughs> oh, हडसन oh. के रिवर के सामने ऐसा जाके कपड़े धो लू But सुन फिर, मेरी हाँ, बोलो यहाँ से जाने से पहले ना एक दिन पहले हम तेरे सारे कपड़े डबल बार धुलवा देंगे ठीक है ऑल गाइस

पूरा स्टडी कर रिपेयर कर करके आओ लाइफ जहाँ आप रह रहे हो वर्सेस द कंट्री दैट यू विश टू मूव या शाहरुख खान ने भी तो बोला है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है अगर ठीक ना होता वो अंत नहीं क्योंकि पिक्चर पिक्चर अभी तो बाकी है मेरे दोस्त ऑलराइट गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग इन ऑल दिस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ वी आर ऑल थ्री वेरी वेरी ग्रेटफुल्ड ऑनेस्टली फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ वी हैव हम कोई चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेते yeah. और ना हम तीनों में से कोई ये आपको बोल रहा है कि यहाँ गलत है वहाँ गलत है इंडिया बेस्ट है इंडिया ख़राब है हम दिल से इंडियंस ही है इंडियंस ही रहेंगे लेकिन hmm. जो अपॉर्चुनिटी हमको लाइफ ने दी है हम उस चीज़ से आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं बिकॉज अलॉट ऑफ पीपल फेस अलाट ऑफ इशूज आई हैव सीन सो मेनी रील्स हम पूरी रात रील्स देखते रहते हैं जहाँ लोग ना यहाँ आ तो जाते हैं एज स्टूडेंट्स या एज़ वर्कर्स एंड दे आर नॉट हैप्पी तो क्या फ़ायदा अगर कोई चीज़ कोई इंफॉमेशन आपके पास नहीं है और आप किसी कंट्री में चले गए हो एंड आप ना खुश हो आई होप ये वीडियो आपके कोई काम आई हो अगर आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइए कुछ कोई मुझसे हमसे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमने मिस आउट की है कुछ चीज़ें तो हमने आधी रखी है आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स करिए हमें थोड़ा ज्ञान दीजिए ताकि हम भी अपने आप को एजुकेट कर सकें चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एंड से बाय टू तो अमेरिकन दोस्त अब वो जा रहे हैं आउट ऑल वीडियोस जो हमने जॉश के साथ पूरा लंदन दर्शन किया है एकदम पाँच पाँच मिनट में सब जगह प्लीज़ डोंट मिस आउट दउ वीडियोज